जनता ने उनको नकार दिया, उनको रिजेक्ट कर दिया, उनको कोई नैतिक अधिकार नहीं है सरकार बनाने का। सर उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश में भी काफी बड़ा सरप्राइज है। उत्तर प्रदेश से बहुत बड़ा झटका लगा है भाजपा को, महाराष्ट्र से बहुत बड़ा झटका लगा है, हरियाणा से बहुत बड़ा झटका लगा, राजस्थान से बहुत बड़ा झटका लगा है, इस सब जगह हारे। जो राहुल जी ने मेहनत की, यात्रा की, उसका बहुत फर्क पड़ा कांग्रेस को बढ़ाने में, खड़गे जी की व्यू रचना से, प्रियंका जी के जितना दावा था जो पश्चिम बंगाल में बहुत ज्यादा सीटें, पश्चिम बंगाल में जो है भाजपा का दावा पूरी तरह गलत साबित हुआ, ममता जी ने कमाल करके दिखाया। ममता जी पहले से इंडिया गठबंधन में थे, उन्होंने शुरू किया था इंडिया गठबंधन में, तो है इंडिया गठबंधन। ममता जी के लिए कोई मैसेज देंगे आप? मैं यही कहूंगा कि उन्होंने बहुत बहादुरी का काम किया, उन्हें वो झांसी की रानी साबित किया। थैंक यू सर, प्लीज सामने लगा। देखिए मेरा इतना मानना है कि सबसे बड़ी चीज ये है कांग्रेस जिसमें राहुल जी की यात्रा, प्रियंका जी का कैंपेन और खड़गे जी की जो इच्छा और जो गठबंधन हुआ उससे, और भाजपा को नैतिक अधिकार नहीं सरकार बनाया, जनकारों को बहुमति नहीं दी, 30 से 240 किलोमीटर दावा 400 का था, उन्होंने कर दिया। हम अगर वो बैसाखियों की सरकार बनाते हैं तो दूसरों की कृपा पर है। इंडिया गठबंधन एक बहुत बड़ा कुंबा था जिनमें नीतीश कुमार की शुरुआत थी, उनके चेहरे थे। क्या नीतीश कुमार से कहा जा रहा है, शरद पवार जी ने संपर्क किया, दरवाजे खुले हैं कि आएं और 272 के आंकड़ों को पार कराएं और इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएं? ये तो बड़े नेता तय करेंगे, इंडिया गठबंधन के बड़े नेता की क्या करना है। मैं ये कह सकता हूँ कि भाजपा को नैतिक अधिकार नहीं है सरकार बनाएं। एक आखिरी में सवाल, हिमाचल प्रदेश में आपके नेतृत्व में शानदार सरकार बनी, लेकिन लोकसभा चुनाव में ऐसी क्या? लोकसभा चुनाव में हम पीछे चल रहे हैं, लेकिन हमने विधानसभा की 4 सीटें जीत ली, जो बहुत हमारे लिए इम्पोर्टेंट है सरकार, क्योंकि बीजेपी ने पैसे के बल पर सरकार गिराने की कोशिश की थी हिमाचल में। धन देखिए, जनता ने उन दल बदलुओं को उन जो है धन के बल पे पैसे लेकर बिकने वाले विधायकों को सबक सिखाया। चलिए तो राजेश सर, जो बीजेपी को आप लोगों ने अभी तक जो रुझान है उसमें 240 तक रोक दिया है, क्या लगता है आपको सर, क्या संभावना है आगे बढ़ती दिख रही? देखिए यही कमोबेश जो है संभावना है। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा दैनिक सवेरा को, शीतल जी को, चुनाव परिणाम जो सही ढंग से एनालिसिस करें तो कहेंगे मानव बीजेपी 240 के साथ और 240 की मदद करना, इसका मतलब उनको स्पष्ट बहुमत नहीं, 400 का दावा करते हैं और वो स्पष्ट बहुमत भी नहीं है, तो नैतिक हार उसकी बढ़ चुकी है। जनता ने उनको रिजेक्ट कर दिया, उसको सरकार बनाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। तो ऐसे में क्या इंडिया ब्लॉक की तरफ से इस बात की संभावना है, जैसी खबर आ रही है कि पवार साहब बात कर रहे हैं नीतीश कुमार से, चंद्रबाबू नायडू से, क्योंकि ये दो लोग ऐसे हैं क्रूशियल हैं जिनके बिना बैसाखी के मोदी जी अब तीसरे टर्म में सरकार नहीं बनाते हुए देख रहे हैं? बिल्कुल सही है एनालिसिस, क्योंकि मोदी जी अपनी तरफ से सरकार नहीं बना सकते, अब उनको घटकों पर भरोसा करना पड़ेगा, घटकों के बल पर बना सकते, घटके उनकी सरकार चलाई, लगाम अब चली गई नीतीश कुमार और उनके हाथ चंद्रबाबू नायडू और ये कोशिश करेंगे कि नीतीश कुमार की पार्टी भी तोड़ दें, MLAs को मर्ज करा ली, खुराफात का काम होने की संभावना है। इस दिन नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को होशियार रहना चाहिए और इंडिया अलायंस ऐसा है कि जो सबको साथ लेकर चलता है, इसने गठबंधन की सरकारें भी चलाई, कभी तोड़ फोड़ भी की है, उनके साथ मिलना चाहिए। तो ऐसी संभावना आपको लगती है कि विकल्प के तौर पे आप लोग इसको भी टटोलोगे कि अगर मोदी सरकार को रोका जा सकता है? ये तो हमारे वरिष्ठ नेताओं का जी काम है, हमारे वरिष्ठ नेता इस दिशा में सोचेंगे कि क्या करना क्या नहीं करना, ये इतना जरूर है भाजपा ने नृत्य कर दिया। उपचुनाव के नतीजों से अब पूरी तरह से सुरक्षित और स्टेबल, कैमरा फिरोज के साथ अजय चाहते हैं। So they have lost the moral authority, moral right to govern the country. People have not given, you know, any endorsement to their agenda. In terms of the numbers for UNITY, your support is higher than anticipated. Why do you think, who do you think you resonate? Well, as far as, you know, our enhancement is concerned, the way we have increased our support, the first candidate I would like to include all that.
भारत जोड़ो यात्रा एंड यूनाइट इंडिया यात्रा दैट वॉज अ ट्रेन विच हियर लास्ट 10 years ट्रेवल 4,000 किलोमीटर ऑन फुट एंड सेकेंडली नया यात्रा ट्रेंड वेरी इंटेंसिवली एंड द काइंड ऑफ स्ट्रेटजी विच वॉज फॉर्मुलेटेड बाई पार्टिसिपेंट्स आई वुड लाइक टू गिव क्रेडिट टू अखिलेश शर्मा ऑल्सो अखिलेश यादव कांग्रेस फाउंडेशन की प्लेंटी ऑफ सीट्स